कि सिविल सूट बहुत लंबे लंबे चला करते हैं और जितना मर्जी आप इस प्रोसीडिंग्स को आप फास्ट करा लें, लेकिन उस मन माफिक रिलीफ को मिलने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि आपका इतना ज्यादा समय खराब हो चुका है, इतना ज्यादा आपका पैसा जाया हो चुका है और वो कीमती समय। कल मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर किया था कि अगर आपकी पत्नी आपके उस मकान पर कब्जा कर ले जो मकान आपकी माताजी या पिताजी के नाम पर है, और इस मकान को खाली कराने के लिए आप पहले से ही सिविल सूट फाइल कर चुके हैं, और उस सिविल सूट के अंदर WS में आपने पत्नी की रिटर्न स्टेटमेंट में दी गई एडमिशंस का फायदा उठाते हुए 12/6 की आपने एप्लीकेशन दायर करनी है। लेकिन अगर आपने किसी भी कोर्ट में किसी भी तरह का कोई केस अभी नहीं किया है तो रुक जाइए, आप सिविल सूट करने की बजाय अगर आप इस विधि का सहारा लेंगे तो आपका मकान बहुत जल्द खाली हो जाएगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, सिविल सूट अगर आप फाइल करते हैं अपने मकान को खाली कराने का, तो आप सभी ने ये देखा है, समझा है कि सिविल सूट बहुत लंबे लंबे चला करते हैं और जितना मर्जी आप इस प्रोसीडिंग्स को आप फास्ट करा लें, लेकिन उस मन माफिक रिलीफ को मिलने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि आपका इतना ज्यादा समय खराब हो चुका है, इतना ज्यादा आपका पैसा जाया हो चुका है और वो कीमती समय कभी वापस लौट करके नहीं आता, और जो आपकी अंदर से ख्वाहिश थी उस मकान को रहने की, उसको यूज करने की, वो लगभग खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि अब आपका शरीर इस लायक भी नहीं रह गया है कि वो उसको अच्छे से एंजॉय कर सके। तो आपने ऐसी स्थिति में करना क्या है, अब देखिए, आप पति हैं, आपकी पत्नी ने आपके उस मकान पर कब्जा किया हुआ है जो आपकी वृद्ध माताजी के नाम पर है, और वो जो वृद्ध माताजी हैं वो सीनियर सिटीजन हैं, या आपके पिताजी के नाम पर है वो भी सीनियर सिटीजन हैं, या हो सकता है साथ में उनके कुछ मेडिकल इम्प्लीकेशंस भी हो। आपने यहां पर सिविल सूट फॉर पोजिशन का दावा दायर करने की बजाय आपको सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेना चाहिए। आपको यहां पर ये बात बता देना जरूरी होगा कि सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेते हुए आप अपने कंसर्न्ड SDM के सामने एक दरखास्त लगा सकते हैं, और उस दरखास्त में आप अपनी सारी पिछली हिस्ट्री लिखेंगे कि कैसे कैसे हुआ, कैसे शादी हुई, कैसे बाकी सब चीजें हुई, और उन हालातों के बाद आपने उसमें ये चीजों को जाहिर करना है कि क्यों अब इस मकान को खाली कर दिया जाना चाहिए। और यहां पर SDM महोदय आपके इस केस में सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेते हुए आपके मकान को बहुत ही जल्दी खाली करवा करके उसके कब्जे को आपको सौंप देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर आपके मकान पर आपकी पत्नी ने कब्जा किया हुआ है, आपके पिताजी या माताजी सीनियर सिटीजन है, तो आपको सिविल सूट में जाने की बजाय आपको सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेते हुए एक केस दायर करना होगा और अपने मकान का कब्जा वापस छिड़वा लेना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।